हेलो एवरी वन वेलकम टू माइड ब्रेन्स माई नेम इज़ टेस एन आजोज एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पोएम एंड द नेम ऑफ योर पोएम इज स्प्रिंग द नेम इट सेल्फ इज सो हैपी है ना स्प्रिंग इज द बेस्ट सीजन स्प्रिंग एंड मानसून ऐसे सबका डिफरेंट 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 हो सकता है कि साम वन लाइक्स समर बिकॉज आइसक्रीम्स मिलती हैं सम वन लाइक्स विंटर्स बिकॉज स्नो गिरता है साम वन में लाइक मानसून क्योंकि बारिश बारिश तो सबको पसंद होती है राइट सो दिस पोएम इज अबाउट स्प्रिंग यू नो वॉट आर द डिफ्रेंसेस जो नॉर्मल वेदर और स्प्रिंग में होता है स्प्रिंग में बहुत सारे फ्लावर्स आज आने लगते हैं विंटर्स में जो ट्रीज लीव्स गिर गई थी वो सब न्यू 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 करके लीव्स आने लगती हैं इट्स ऑल हैप्पी हैप्पी एवरीवेयर है ना जहाँ पे भी देखो यू विल सी लिटिल लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरी एकदम से ग्रीन भी नहीं है एकदम से सूखा सूखा भी नहीं स्मॉल स्मॉल लिटिल लिटिल लीव्स आना शुरू होते हैं बर्ड्स बीज बहुत सारे बीज होते हैं इस टाइम पे वाई बिकॉज फ्लावर्स इसी टाइम पे आते हैं सो दे बाजर अराउंड फॉर नेक्टर और क्या चेंजेस होते हैं हम बहुत घूम सकते हैं ना विंटर्स में घर के अंदर बैठना पड़ता है एंड स्प्रिंग में यू कैन मूव अराउंड एज मच एज यू वॉन्ट राइट सो दिस पोएम इज रिटन बाई कार्ला कास्किन कार्ला कास्किन राइट She is also one of the uh, poets for children, unka bhi poems ke liye and she uses very simple language. Okay? So shall we start? Chalo. We'll first read the poem, after that we'll go on to the explanation. I am shouting, I am singing, I am swinging through trees, I am winging sky high with the buzzing black bees. I am the sun, I am the moon, I am the dew on the rose. I am a rabbit whose habit is twitching his nose. I am lively, I am lovely. I am kicking my heels. I am crying, come dance to the fresh water eels. I am racing through meadow without any coat. I am a gabbling lamb, I am a light leaping goat. आई एम अ बर्ड आई एम अ ब्लूम आई एम अ डव ऑन दंग आई एम रनिंग ऑन रूफ टॉप एंड वेलकमिंग स्प्रिंग ठीक इट्स सो हैपी मतलब ऐसा लग रहा है पोएम की स्टार्टिंग से लास्ट तक बस भाग ही रहे है ना हैपीनेस वाला भाग ना ओके नाउ वील स्टार्ट आई एम शाउटिंग आई एम सिंगिंग आई एम स्विंगिंग थ्रू ट्रीज आई एम विंगिंग स्काई हाई

आई एम स्विंगिंग थ्रू ट्रीज स्विंगिंग थ्रू ट्रीज स्विंगिंग इज झूला झूलना सो द पोएट सीज आई एम स्विंग थ्रू ट्रीज इट डज नॉट मीन की वो एक, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ झूल रहा था इट मीन्स ही इज रनिंग अराउंड द ट्रीज जहां बहुत सारी ट्रीज होंगी शायद वहां की बात कर रहा है ही इज रनिंग अराउंड देम आई एम विंगिंग स्काई हाई विंगिंग स्काई हाई मतलब आसमान से भी ऊँचा उड़ना विंगिंग स्काई हाई स्काई जितना हाई है उतना हाई मेरे पंख फैला के मैं उड़ रहा हूँ विद द बजिंग ब्लैक बीजे फ्लाइंग अलोंग विद दजिंग ब्लैक बीज अच्छा ही कुड है भी उठती हैं बट ही इज यूजिंग बजिंग बीज वाई क्योंकि स्प्रिंग सीजन में बर्ड्स से ज़्यादा बीज होती हैं बर्ड्स तो हर सीजन में आपको दिख जाएंगे बट बीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्प्रिंग सीजन में मिलती हैं, राइट है पोइट इज वेरी हैप्पी आई एम स्विंग थ्रू ट्रीज ट्रीज के आजू बाजू बीच में से मैं भाग रहा हूं आई एम विंगिंग स्काई हाई विद द बजिंग ब्लैक बीज ब्लैक बजिंग बीज के साथ मैं आसमान से भी ऊंचा उड़ रहा हूँ। ठीक है आई एम द सन आई एम द मून आई एम द ड्यू ऑन द रोज सो द पोएट इज सेंग दैट शी इज़ द सन इट्स सेल्फ शी इज द मून इट्स सेल्फ शी फील्स के येस ये जो नेचर में चीजें हैं इट इज सेम एज आई एम है नचर में जो जो भी चीज़ें फ्लार्स हैं सन है मून है स्काई है दीज आर ऑल आई एम पार्ट ऑफ दीज थिंग्स मैं भी इनका एक पार्ट हूँ सो शी इज कंपेयरिंग हर सेल्फ टू ऑल दीज थिंग्स शी इज़ कंपेयरिंग हर सेल्फ टू द नेचर शी वॉन्ट्स टू टेल कि वो भी इस नेचर का एक पार्ट है सो शी इज़ कंपेयरिंग विथ डिफरेंट थिंग्स शी इज़ कंपेयरिंग हर सेल्फ फर्स्ट विद द सन देन मून देन आई एम द ड्यू ऑन द रोज वॉट इज ड्यू ड्यू क्या होता है मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो ग्रास के ऊपर छोटा छोटा वो रहता है ना वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं ना यू सीन दैट अगर लंबे वाले ग्रास देखोगे मतलब जो थोड़े थोड़े उठे हुए हैं ग्राउंड से विल सी लिटिल लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर राइट दैट इज ड्यू ड्रॉप्स दैट इज ड्यू ड्रॉप्स ओस गिरती है ना सुबह दैट इज ड्यू ड्रॉप्स सो शी इज दैट आई एम द सन आई एम द मून ये बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई बड़ा सन बड़ा मून गर्म सन ठंडा मून देन शी इज सेंग आई एम द ड्यू ऑन द रोज बड़ी वाली चीज़ों से लेके एकदम छोटा सा टाइनी ड्यू ड्रॉप भी मैं ही हूँ आई एम अ रैबिट हुज हैबिट इज़ ट्विचिंग हिस्ोस हैव यू सीन रैबिट्स वो अपने दोनों हाथों से अपनी नोज को ऐसे रगड़ते रहते हैं सो दैट इज ट्विचिंग हिस्ोस राइट सो शी सेज कि नॉन लिविंग थिंग्स ही नहीं बल्कि नेचर में जो एनिमल्स हैं इवन दैट इज मी मैं वो, वो भी मैं ही हूँ सो शी इज से नॉन लिविंग हो लिविंग हो गर्म हो ठंडा हो बड़ा हो छोटा हो कोई भी चीज़ हो आई एम सेम एज द नेचर आई कैन फील दैट कनेक्शन विद दैम स्प्रिंग आते ही स्प्रिंग की बात अभी शुरू नहीं की है पोइट ने बट आई एम टेलिंग यू द पोइट से इसकी मैं उनसे अपना एक कनेक्शन फील कर सकती हूँ ठीक है आई एम लाइवली आई एम lovely, आई एम लाइवली मतलब फुल ऑफ लाइफ लाइवली इज फुल ऑफ लाइफ फुल ऑफ लाइफ आप दो टाइप के मूड में हो सकते हो एक अरे यार एक और नया दिन या फिर अरे यस एक और नया दिन राइट दो टाइप ऑफ मूड हो सकता है सुबह सो द पोएट सेज I आई एम लाइवली आई एम फुल ऑफ लाइफ मैं फिर फुल मजे में हूँ मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ मैं भाग दौड़ मचा सकती हूँ आई कैन डू एनी थिंग सो आई एम फुल ऑफ लाइफ आई एम लवली आई एम लवली वो खुद ही बोल रही है आई एम लवली सो यू शुड हैव दैट एटीट्यूड है ना सुबह सुबह उठ के मिरर में देखे हाँ मैं कितना बेकार दिखता हूँ मैं कितना छोटा हूँ मैं कितना पतला हूँ ये बोलने से अच्छा है यू से यस आई एम लवली देर आर सो मैनी पीपल टू लव यू राइट देर आर सो मैनी पीपल सो यू शुड बी यू शूड हैव दैट पॉजिटिविटी इन यू की यू शूड फील योर सेल्फ कि येस yes, एक नया दिन आई कैन डू सो मेनी थिंग्स आई एम सो लवेबल सब लोग कितने सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं राइट सो आई एम सो लवली यू शुड स्टार्ट सेट टू योर सेल्फ अपने आप से ये चीज़ बोलना शुरू कर दो यू दे इट शोज अ डिफरेंस जरूर दिखता है डिफरेंस आई एम किकिंग माई हील्स किकिंग माई हील्स मीन्स नॉट किकिंग योर हील्स मतलब अपने हील्स को किक करना नहीं है दैट मीन्स यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट किकिंग योर हील्स मीन्स यू इफ यू वॉन्ट टू डांस यू आर डांसिंग इफ यू वॉन्ट टू रन यू आर रनिंग इफ यू वॉन्ट टू जम्प यू आर जम्पिंग इफ यू वॉन्ट टू स्लीप यू आर स्लीपिंग सो किकिंग योर हील्स मीन्स डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट ठीक है जो आपको करने का इच्छा है यू आर डूइंग दैट आई एम क्राइंग कम डांस टू द फ्रेश वॉटर ईल्स वॉट आर फ्रेश वॉटर ईल्स ईल इज अ काइंड ऑफ फिश वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ता है लंबा सा फिश होता है नॉर्मल uh, फिश जैसा शेप नहीं होता जो आप अक्वेरी में ड्रॉ करते हैं ना वैसा नहीं होता ये दिस इज़ अ लंबा काइंड ऑफ फिश यूजुअली ट्रांसपेरेंट होते हैं बहुत डीप वाटर में मिलते हैं सो शी इज टेलिंग देम टू कम एंड डांस विद मी एंड द मूवमेंट इन विच द मूव ना उनका जो मूवमेंट है इट फील्स लाइक दे आर डांसिंग बहुत स्पीड में आगे बढ़ते हैं दर इज़ अ ग्रेस इन दैम बहुत बहुत स्पीड में और बहुत रिगल करते हैं सो शी इज़ टेलिंग दैम कि मैं उनको भी डांस करने के लिए बुला रही हूँ विद मी दिस जस्ट मीन्स की शी इज वो जो मूवमेंट है उसको शी इज़ कंपेयरिंग विद डांस सो शी इज सेंग कि वाई आई एम डांसिंग आई वॉन्ट दैम टू जॉइन मी आई वॉन्ट द अदर एनिमल्स वर्ड्स जितने भी नेचर में है शी बाई फ्रेश वॉटर ईल शी वॉन्ट्स टू पॉइंट आउट एट दी ऑर्गैनिजम्स इन द नेचर ऑर्गैनिज्म नी एनिमल्स बर्ड जो भी चीजें कोट नाउ स्प्रिंग से पहले क्या होता है विंटर्स होते हैं राइट एंड विंटर्स में हम क्या पहनते हैं भगवान घर में जितने कपड़े होते हैं वो सब पहनते हैं बिकॉज है ठंड है बहुत राइट सो नाउ शी सिंग आई एम रनिंग थ्रू द मेडोज मैं मेडोज में से भाग रही हूँ वॉट आर मेडोज दे आर ओपन फील्ड और ग्राउंड ठीक है दे आर ओपन फील्ड और ग्राउंड शी इज रनिंग थ्रू द मेडोज वो मेडोज के थ्रू भाग रही है वो भी विदाउट अ कोट वाई डज शी सेव विदाउट अ कोट बिकॉज इट इज़ स्प्रिंग विंटर्स खत्म हो गए नाउट शी डज नॉट अ कोट शी कैन रिमूव द कोट एंड रन फ्रीली जब आप ज्यादा कपड़े पहनते हो तो भागने में मुश्किल और जम्पिंग अबाउट प्लेफुल्स या गोट के बच्चे लैम्प के बच्चे जो होते हैं उनको देखा है वो कभी आराम से नहीं चल सकते उनको फुदकना होता है वो भागते हैं या फिर ऐसे जम्प कर कर करके चलते हैं हॉप करते हैं वो आराम से नहीं चलेंगे सो शी सेज कि मैं उ, उस लैम्प के जैसे मैं कहीं टिक नहीं पा रही हूँ आई एम सो हैप्पी दैट आई एम रनिंग अराउंड आई एम जंपिंग अराउंड आई कैन आई एम मूविंग अराउंड बस मैं कहीं एक जगह पे टिक नहीं पा रही हूँ आई एम अ लाइट लीपिंग गोट सो लैम्प और गोट इसलिए बताया है क्योंकि बोथ दीज किड्स बोथ द बेबीज ऑफ दीज एनिमल्स दे के नॉट स्टे एट अ प्लेस दे आर वेरी एक्टिव दे कीप ऑन जम्पिंग दे कीप ऑन हॉपिंग दे कीप ऑन रनिंग ठीक है एक जगह पर टिकना उनसे होता नहीं है कूदते रहो फुदकते रहो यही होता है उनका काम आई एम बड वॉट इज अ बड फ्लार का जो बेबी है मतलब जिसमें से फ्लार आता है दैट इज अ बड है ना जिसमें से फ्लार शुरू होता है दैट इज अ बड शी से आई एम अ बड मैं बड भी हूं आई एम अ ब्लूम ब्लूम मीन्स अ फ्लार ब्लूम इज फ्लार सो शी सेज आई एम अ बर्ड एंड आई एम अ फ्लार मैं एक बर्ड भी हूँ मैं एक फ्लार भी हूँ ठीक है सो मे बी शी वॉन्ट्स टू से बर्ड इज़ अ छोट बेबी राइट बर्ड बेबी है तो शी वॉन्ट्स टू से बर्ड का जो लाइक बर्ड आई एम अ बेबी इन साइड मतलब अभी भी मेरे अंदर बहुत मस्ती भरी हुई है आई एम अ फ्लार ऑल्सो फ्लार इज अ ग्रोन अप वर्जन है ना बर्ड से बड़ा है फ्लार सो मे बी उसका एज थोड़ा ज्यादा है बट स्टिल अंदर ही अंदर शीज स्टिल अ बेबी एंड शी वॉन्ट्स टू जम्प अराउंड लाइक बेबीज आपको पता है न छोटे बच्चे बहुत कूदते फानते हैं बड़े बच्चे इतना ज्यादा नहीं कूदना दौड़ना करते राइट सो शी इज मेकिंग दैट कंपेरिजन आई म डव ऑन द विंग डव ऑन दिंग डव दैट इज फ्लाइंग सो शी इज टेलिंग अभी तक सिर्फ लैंड एनिमल्स की बात हो रही थी लैंड एनिमल्स प्लस ये सब जो भी ग्राउंड पे है नाउ शी इज सेइंग दैट आई एम अ डव ऑन विंग्स मतलब आई एम अ बर्ड दैट इज फ्लाइंग इन द एयर एंड वेल आई एम रनिंग ऑन रूफ टॉप्स मैं रूफ टॉप्स पर भाग रही हूँ रूफ टॉप्स इज घर का ऊपर का पोर्शन होता है ना रूफ रूफ टॉप दैट इज टेरिस या फिर uh, अगर स्लैंटिंग रूफ है तो रूफ टॉप सो इज सेइंग दैट आई एम अ बर्ड दैट इज फ्लाइंग

जो रोड है रूफ टॉप्स है ये सब स्लिपरी हो जाते हैं गीले गीले रहते हैं तो वो स्लिपरी हो जाते हैं यू कैन नॉट क्लाइम देम और इवन क्लाइम देम ठीक है भागना और चलना तो बहुत दूर की बात है यू कैन नॉट इवन क्लाइम देम नाउ दैट दिस विंटर इज गॉन स्प्रिंग हैज़ कम वो सब सूख चुका है नाउ शी टेलिंग दैट शी कैन रन फ्रीली ऑन द रूफ टॉप दिस जस्ट शोज की विंटर्स खत्म हो गए हैं ऑल दैट स्लिपरी फीलिंग इज गॉन नाउ शी कैन रन अराउंड ऑन द रूफ टॉप रूफ टॉप्स फ्रीली राइट Understood? Clear now? So that is your poem. We will read it once more. I am shouting, I am singing, I am swinging through trees, I am winging sky high with the buzzing black bees. I am the sun, I am the moon, I am the dew on the rose, I am a rabbit whose habit is twitching his nose. I am lively, I am lovely. I'm kicking my heels, I'm crying, come dance to the fresh water eels. I'm racing through meadow without any coat. I am a gambling lamb, I am a light leaping goat. I am a bud, I am a bloom. I am a dove on the wing. I'm running on rooftops and welcoming spring. So the poem is about the weather

many things in the nature. She just wants to make a show that she is connected to each and everything, right? As the nature becomes happy and lively during spring, just like that, she also is very happy about spring, right? जैसे spring आते हैं ऐसा लगता है कि पूरा nature बहुत खुश हो गया है, they are very happy. मतलब ऐसा लगता है कि बस वो बहुत खुश है. Everything is full of life. Uh, spring के time पे. So she says, she makes these comparisons to show that even she is full of that life and happiness, Theke? is it clear, Theke? okay, now um, about the poet, we have a short brief about the poet, Karla Kaskin was an author, poet, illustrator and reviewer of children's books, even Carla uh, Kaskin is not only a poet, she is an author. इलिस्ट्रेटर एंड रिव्यूअर फॉर चिल्ड्रन्स बुक ये ऑथर भी मोस्टली बच्चों के बुक्स के साथ ही रिलेटेड है कास्किन वॉज नोन फॉर द म्यूजिकल स्टाइल अभी जो पोएम यू रेड नॉर्मल पोएम्स जैसा नहीं है ना लाइक नॉर्मल पोएम्स में uh, बहुत सारे वर्ड एक साथ रिपीट नहीं होते सॉन्ग्स में होते हैं है ना सॉन्ग्स में होता है ना कि एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है या फिर बहुत सारे राइम्स हैं इन दीज पोएम्स विच शी रोट उनमें एक म्यूजिकल टच होता था उनको आप गाने की तरह गा सकते थे इलस्ट्रेटेड नियरली हाफ ऑफ द बुक्स शी रोट शी इलस्ट्रेटेड मतलब थ्रू uh, ड्रॉइंग्स या थ्रू वॉइस थ्रू स्टोरीज आप किसी चीज़ को जब शो करते हो ठीक है इलस्ट्रेट करना मतलब कोई चीज़ आपके पास है आप उसको किसी और फॉर्म में लोगों को समझाने के लिए दिखाओ ठीक है सो दैट इज इलस्ट्रेशन उनकी आधे से ज्यादा पोएम्स उन्होंने खुद ही इलस्ट्रेट शायद ड्रॉ करके किया होगा या फिर गा के बताया होगा ठीक है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द द पोयम पोयम स्प्रिंग 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 इज इज वेलकमिंग वेलकमिंग ऑफ दिस आ रहा है सो द पोएट इज वेलकमिंग द स्प्रिंग द स्पीकर वेलकम्स द लाइवली वेदर थ्रू वर्ड्स दैट डिनोट कलर ब्यूटी ईगरनेस सो पोएम में हमने क्या क्या देखा कलर देखा ब्यूटी देखा ईगरनेस देखा कलर लाइक द सन येलो सन ब्राइट डे फिर रेड uh, रोज़ फिर और क्या है ठीक है कलर्स डव वाइट होता है गोट ब्राउन ब्लैक वाइट हो सकते हैं देन लैम्प वाइट होता है कलर्स शो हो गए देन फ्रेगरेंस मेडोज में जो ओपन फील्ड होता है वहाँ पे फ्लावर्स बहुत होते हैं सो मेडोज में फ्लावर्स की बात हो रही है तो डू से स्मेल का uh, वो हो गया देन बीज बीज बाज़ करते रहते हैं बर्ड्स उड़ रही हैं तो वो भी आवाज करते रहते हैं सो साउंड हो गया सो शी इज गिविंग यू एन आइडिया ऑफ डिफरेंट सेंसेस है ना स्मेल हो गया साइट हो गया हियरिंग हो गया ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ठीक है राइट ना नाउ यू हैव होमवर्क राइट पोएम समझ में आ गया है तो होमवर्क विल बी वेरी ईजी

फिफ्थ इज वॉट इज द डिफरेंट चेंजेस यू सी इन द नेचर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन यू हैव टू टेल स्प्रिंग सीजन में क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस नेचर में आप नोटिस कर सकते हो राइट right? इंडिया में हर स्टेट में स्प्रिंग बहुत ज़्यादा विविडली डिफरेंस नहीं दिखाता है बट कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे स्प्रिंग एकदम डिफरेंट होता है मतलब वो डिफरेंस हमें पता चलता है नहीं तो यूजअली विंटर्स के बाद सीधे ही Uh, आपका हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर होते ही समर शुरू हो जाता है राइट right? है ना मतलब मार्च तक ठंडी होती है मार्च के बाद अप्रैल में गर्मी शुरू हो जाती है सो so, बहुत ऐसे कम स्टेट्स हैं जहाँ पे यू सी दैट वेरी डिफरेंस कि हाँ स्प्रिंग आ गया है या फिर ऑटम आ गया है राइट सो दैट वॉज़ योर पोइम एक्सप्लेनेशन प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क ठीक है विल बी डिस्कसिंग द होमवर्क नेक्स्ट टाइम And uh, if there is, uh, if you read the poem at least twice or thrice, you can even remember that, right? So read the poem, learn the poet's name, and be thorough with the poem. Okay? I will meet you next time with the solutions of the homework and your exercises. Till then, take care. Bye bye.